हेलो गाइस, दिस इज मानसी फ्रॉम evidhati.in। अब हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लिटरेचर रीडर की। दिस इज पोयम नंबर 3 ऑफ आवर बुक। सो द नेम ऑफ द पोयम इज द सॉलिटरी रीपर एंड इट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो द नेम ऑफ द पोयम जो की है सॉलिटरी रीपर, इसका मीनिंग क्या है? सॉलिटरी मीन्स लोनली, अकेला, एंड रीपर मीन्स अ पर्सन जो फार्म में वर्क करता है और वी कैन से जो जो क्रॉप्स है उनको हार्वेस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रीपर। सो स्टोरी कह सकते हैं हम या पोयम बिगिन होती है यहाँ भी। वो बताते हैं जो यहाँ पे राइटर हैं, जो पोएट हैं, ही सेज कि एक बार वो कहीं जा रहे होते हैं एंड वहां पे उन्हें एक लड़की मिलती है जो क्या होती है, रीपर होती है। मीन्स वो क्या कर रही है, फार्म में वर्क कर रही है और काम करते करते वो साथ में गाना गा रही है। और जो वो गाना गा रही है उसकी जो आवाज है, उसकी वॉइस पोएट को बहुत ही मेलोडियस लगती है, उसे वो वॉइस बहुत अच्छी लगती है। तो वो उस वॉइस के बारे में पूरी पोयम में हमें बताएंगे। सो इसके अंदर उन्होंने नाइट एंगल से, कुकू बर्ड से, जो कि बहुत ही ऐसी बर्ड्स है जिनकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, उससे इस लड़की की वॉइस को कंपेयर किया है। ऑल्सो हमें बताया गया है कि ये लड़की जो है, ये जो गाना गा रही है वो पोएट को समझ नहीं आ रहा, मतलब कि म्यूजिक तो समझ आ रहा है लेकिन जो वो वर्ड्स बोल रही है उसकी मीनिंग क्या है वो उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन म्यूजिक से, थीम से वो जज कर पा रहा है कि जो भी वो सॉन्ग गा रही है वो बहुत सैड है। सो वो अजम्पशंस लगाता है कि वो सैड सॉन्ग क्यों गा रही है, मे बी वो कुछ पुरानी बात है उसको याद करके गा रही है, या जो बॉय बैटल्स हुई है उन सब चीजों को याद करके वो सैड सॉन्ग गा रही है, या फिर वो सोचते हैं या हो सकता है कि नॉर्मल जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो कोई सैड सॉन्ग गा रही है। सो बेसिकली पूरी पोयम में सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है कि वो लड़की की वॉइस कैसी है, उसे डिफरेंट चीजों से कंपेयर किया गया है। एंड एट द एंड पोएट सेज कि जब वो पोएट वहां से चला जाता है तब भी वो आवाज उसके कानों में गूंजती रहती है, वो अपने दिल में उस आवाज को लेके गया है। जब वो आवाज बंद हो जाती है आने तब भी उसकी माइंड में, उसके हार्ट में वो वॉइस चलती जा रही है। ठीक है, सो ये था एक शॉर्ट समरी बोल सकते हो या डिस्क्रिप्शन की पोयम में क्या है। बट इस पोयम को अगेन हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द पोयम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोयम। अब हम लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हुए पोयम को समझेंगे। सो Behold her singer in the field. Behold, behold का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व। सो वहां के जो लोग हैं आसपास जो वहां से जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए ये बोल रहा है, ऑब्जर्व हर और बीहोल्ड हर सिंगर इन द फील्ड। सिंगर हियर, सिंगर इज नॉट द रिलेशनशिप स्टेटस हियर, सिंगर मींस लोनली। सो ही इज आस्किंग द पीपल टू ऑब्जर्व द लोनली गर्ल इन द फील्ड। तो वहां पे जो वो लड़की जिसके बारे में ये पोएम लिख रहा है वो, उसके लिए वो बोलता है कि उसको ऑब्जर्व करो। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। सो यॉन मींस दैट, मींस जिसके अभी उसने फर्स्ट लाइन में बात करी उसी के लिए वो रिपीट कर रहा है। सॉलिटरी अगेन मींस लोनली। अभी हमने जब चैप्टर का समरी कर रहे थे तब हमने बताया था सॉलिटरी का मीनिंग। सो सॉलिटरी इज अगेन लोनली। हाईलैंड, हाईलैंड मीन्स अ माउंटेन एरिया, सो उसके लिए हम यूज करते हैं हाईलैंड। लैस मीन्स अ यंग वुमन। सो फर्स्ट लाइन में जिसको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा था उसी के बारे में इसने यहाँ पे बताया है, दैट लोनली गर्ल माउंटेन एरिया में जो वो लोनली गर्ल है या लोनली यंग लेडी है उसके बारे में वो बता रहा है। नेक्स्ट, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। रीपिंग मीन्स क्रॉप्स को कट करना, कलेक्ट करना, दैट इज व्हाट रीपिंग इज। सो रीपिंग एंड सिंगिंग, सिंगिंग वी ऑल नो, बाय हरसेल्फ। बाय हरसेल्फ का क्या मतलब है कि वो किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई ऑडियंस है वहां पे या कोई बैठा हुआ है उसको सुना रही है, शी सिंगिंग बाय हरसेल्फ। जैसे हम भी कभी कभी काम करते करते या कुछ भी करते करते गाने गुनगुनाते हैं तो वो हम किसी को सुना नहीं रही होती, वी आर सिंगिंग बाय हरसेल्फ। ऐसे ही दैट लेडी, दैट यंग गर्ल इज सिंगिंग फॉर हरसेल्फ। Then stop here or gently pass. So again, जैसे वो जिन लोगों को बोल रहा था उनको ऑब्जर्व करो, सो नाउ ही saying stop here, या तो रुक के उसे सुनो, अदरवाइज जेंटली
पास, जेंटली पास मतलब चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए बिना कुछ बोले चली जाओ. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, alone she cuts and binds the grain. So cut is grain को cut करना, bind mean collect करना. So वो अकेले ही, मतलब वो बता रहे कि वो ये काम अकेले ही करिए, no one is there to help her. So वो क्या कर रही है, grains को cut कर रही है and then उन्हें collect कर रही है. And sings a melancholy strain. So a melancholy strain means an unhappy song. तो जब वो उसे सुन रहा है तो उसे पता चल रहा है that what she is singing is not joyful. It is quite unhappy or a sad song. Moving forward, oh listen for the wail profound. Wail profound means a deep wail. So उस area में कोई valley है, a deep valley, and उस valley के लिए he is saying is overflowing with the sound. Overflowing here means जैसे कि अगर कोई डीप वैली है या कोई ब्रॉड वैली है, वहां पे कोई गा रहा है तो उसकी आवाज वहां पे गूंज रही है. सो मींस इट इज ओवर फ्लोइंग विद द साउंड. साउंड हियर मींस हर वॉइस जो वो गा रही है. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टैंजा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड स्टैंजा. No nightingale did ever chant more welcome notes to wearing bands. Nightingale is a bird. Bird का name है जिसकी आवाज बहुत ही melodious होती है. So यहाँ पे poet nightingale की जो voice है उसको उस girl की voice से compare कर रहा है and he says no nightingale did ever chant. Chant means गाना, sing करना. More welcome notes. Notes again means song. Notes का मतलब यहाँ पे क्या है? Welcome notes means welcoming songs. किसके लिए? To weary bands. Weary means tired. So tired bands means group of people जो कि बहुत थके हुए हैं. पहले भी चार lines read करते हैं, then इनका meaning देखेंगे because ये line एक दूसरे से connected है. अब ये जो थके हुए जो group है वो किसका है? Of travelers in some shady haunt among Arabian sand. So of travelers, किनका ग्रुप है ये जो थके हुए लोग है उनका कौन सा ग्रुप है? Travelers का. In some shady haunt. Shady haunt means places which are visited often. So shady haunt among Arabian sand. Arabian sand means area near the Arabian Sea. So ये उन travelers की बात कर रहे हैं जो वहां पे visit करने आए हैं and then किसी shady जगह पे बैठ के वो रेस्ट कर रहे हैं. उनके लिए जो ये मेलोडियस या वेलकमिंग सॉन्ग्स है वो लड़की नाइटिंगेल से भी अच्छे गा रही है. सो उसका कंपैरिजन करते हुए कह रहा है कि जो गर्ल की वॉइस है वो नाइटिंगेल से भी अच्छी है और आज तक किसी नाइटिंगेल की वॉइस ने भी इतने अच्छे वेलकमिंग नोट्स उनके लिए नहीं गाए होंगे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड in spring time from the cuckoo bird. So thrilling means exciting. So here uski voice ko bol rahi hai, ye voice itni zyada exciting hai. Never, this means never. Never was heard, kabhi suni nahi hogi kisi ne. Ab kisse comparison ho rahe? In spring time. Spring time means they are talking about the spring season from the cuckoo bird. Cuckoo bird is again a bird jo ki जो बहुत अच्छी, जिसकी मेलोडियस बहुत अच्छी स्वीट वॉइस है. सो अब वो उसको कंपेयर कर रहे हैं कुकू बर्ड की. कुकू बर्ड जो स्प्रिंग में गाती है उससे भी ज्यादा अच्छा उस लड़की की वॉइस है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फादर्स हिब्राइड्स. सो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, अब वो क्या बोल रहे हैं, जितने समुन्दर है उसकी जो शांति है उसको भी लड़की की वॉइस ब्रेक कर रही है. अमंग द फादर्स, फादर्स मीन्स बहुत दूर वाले हिब्रिड्स. हिब्रिड्स मीन्स आइलैंड. सो यहाँ से जो बहुत दूर आइलैंड भी होंगे उनकी भी जो सीज है उसकी शांति को ये वॉइस ब्रेक कर रही है कि वो वॉइस इतनी ज्यादा मेलोडियस है. ओके, सो दिस वॉज आवर सेकेंड स्टैंजा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. सो द फर्स्ट लाइन इज Will no one tell me what she sings? So इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि अभी तक पोए जो उसकी सिंगिंग की, उसकी वॉइस की इतनी तारीफ कर रहे थे उन्हें
नहीं पता कि वो गा क्या रही है. ऐसा बहुत कॉमन चीज है, कभी कभी हमारे साथ भी होता है. कोई एकदम से कोई सॉन्ग होता है, दैट कैन बी मे बी इंग्लिश में, मराठी में, तमिल में, कोई सॉन्ग होता है जिसके हमें लिरिक्स समझ नहीं आते कि वो इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या मीनिंग है इसका, बट उसकी जो बीट्स है, उसकी जो म्यूजिक है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो सेम यहाँ पोइट के साथ हो रहा है. मे बी जो गर्ल गाना गा रही है वो थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में हो, या हो सकता है उस तक वो पूरे क्लियर वर्ड्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसको एक्चुअल में नहीं समझ आ रहा कि वो क्या गा रही है और उसका क्या मीनिंग है, राइट? देन आगे वो बोलते हैं, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो. प्लेंटिव मींस सैड एंड नंबर फ्लो इज म्यूजिकल नोट्स. मतलब कि ये तो पता चल रहा है कि जो भी वो गा रही है दैट इज क्वाइट सैड. सो वो यहाँ पे दोबारा से वो चीज रिपीट करे, जैसे उसने पहले बोला था दैट व्हाटएवर शी इज सिंगिंग इज क्वाइट अनहैप्पी. सो यहाँ पे वो फिर से बोल रहे हैं कि वो जो भी गा रही है उसके वर्ड्स तो नहीं समझ आ रहे, मीनिंग तो नहीं समझ आ रहा, बट इट इज समथिंग सैड. ओके, नेक्स्ट लाइन इज फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो. सो अब वो यहाँ पे अजम्पशंस लगा रहे हैं कि वो क्यों सैड सॉन्ग गा रही है. सो फॉर ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना कोई बात, अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स पुरानी कोई बातें जो कि अनहैप्पी रही हो, सैड थिंग्स हुई हो, एंड बैटल्स लॉन्ग अगो जो पहले लड़ाइयां लड़ी गई है शायद, वो सब याद करके वो कोई सैड सॉन्ग गा रही है. एंड देन वो सो बोलता है, और इज इट सम मोर हम्बल ले. हम्बल ले का मीनिंग है ऑर्डिनरी और सिंपल थिंग. सो पहले उसने अजम्पशन लगाया कि शायद कोई पुरानी बात, कोई जो वॉर्स बैटल्स हुई है उसको याद करके वो ये सैड गा रही है. एंड नाउ ही सेइंग मे बी कोई ऑर्डिनरी सी बात हो, सिंपल सी बात हो. कभी कभी होते ना, हमारा भी मूड ऑफ होते हैं तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं या सैड सॉन्ग गुनगुनाते हैं. सो उसी तरह से बोल रहे शायद कोई ऑर्डिनरी ही बात हो. फेमिलियर मैटर ऑफ टूडे, फेमिलियर मैटर ऑफ टूडे हियर मीन्स जैसे डे टू डे में जो चीजें होती रहती है शायद उससे रिलेटेड कुछ है, इसीलिए वो सैड सॉन्ग गा रही है. Then, same natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. So, same natural sorrow. Sorrow means sadness. Loss or pain, कोई loss, कुछ pain feel हो रहा हो. That has been, मतलब जो हो चुका है. मतलब शायद आसपास या कुछ दिन पहले या कभी भी उसके साथ कोई sad event हुआ होगा, उससे related वो गा रही है. And मे बी अगेन, या फिर शायद कोई ऐसी चीज जो उसे लग रहा हो कि शायद ही फिर से वो सैडनेस रिपीट होगी. ओके, सो दिस वॉज आवर थर्ड स्टैंजा. लेट्स कम टू द लास्ट स्टैंजा. सो नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. सो वट एवर द थीम द मेडन सैंग, नाउ ही सेइंग मेडन मीन्स यंग गर्ल. सो यहाँ पे यंग गर्ल किसकी बात हो रही है, जो वहां पे गाना गा रही थी, विच इज द सॉलिटरी रीपर. सो वो उसको बोलते हैं वो जो भी थीम गा रही थी, क्योंकि उसे समझ तो आने जाता, तो वो बोल रहे वट एवर द थीम शी वाज सिंगिंग, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग. वो ऐसा लग रहा था कि इसका कोई एंड ही नहीं है, ये चलता ही जाएगा गाना. देन आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क. सो अब यहाँ भी वो पोएट हमें बता रहा है कि उसने उसे कहाँ भी गाते हुए देखा था. सो ही सॉ हर व्हेन शी वाज एट हर वर्क. And over the sickle bending. Sickle means it is a type of agriculture tool. So यहाँ पे basically इस line में वो हमें image portray करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे थी. जैसे कि यहाँ पे given है कि वो अपने काम पे थी, जो कि क्या वक्त था उसका reaping का. So वो अपना काम कर रही थी, उसके हाथ में sickle था which is an agriculture tool and वो bend होके खड़ी हुई थी and then वो काम करते करते गाना गा रही थी. Okay? Then I listen motionless and still. Motionless का मतलब होता है without any movement. जबकि हम कभी कभी होते हैं ना बिना किसी movement के बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, so that is motionless. कि हम मूव नहीं कर रहे, इधर उधर कहीं जा नहीं रहे, तो motionless is without any movement. And still, still means उसी तरह से खड़े रहना, हिलना नहीं, जाना नहीं, वहीं पे ही खड़े रहना. सो वो अपने आप के बारे में बता रहे कि मैं वहां पे उसकी जो वो सॉन्ग था उसको सुन रहा था motionless and still. And as I mounted up the hill, mounted means climbed. मतलब अब poet वहां से जा रहा है. So he is saying जैसे जैसे मैं वहां से जा रहा था, अपना जो hill है उस पे climb कर रहा था, the music in my heart bore.
सी, यहाँ पे जो बोर है इसका मतलब वो नहीं है कि हम बोर हो गए या बोरिंग वाला, वो वाला बोर नहीं है। ये मिस्टेकली आप सोच सकते हो कि शायद अब वो उससे सुन सुन के बोर हो गया, बट ऐसा नहीं है। हियर बोर मीन्स टू कैरी, मतलब कि वो कह रहा है कि वो अपने दिल में वो म्यूजिक को कैरी करता हुआ माउंटेन या अपनी जो हिल है उस पे क्लाइंब कर रहा था। ओके, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, सो नाउ ही इज सेइंग कि उसके दिल में वो म्यूजिक वो कैरी करते हुए लेके जा रहा था तब भी जब वो सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब अब जैसे वो हिल पे या जो उसकी जिस हिल पे वो क्लाइंब कर रहा है वो वहां पे चलने लग गया है, एंड सिंस वो डिस्टेंस पे आ गए तो उसे अब सुनाई नहीं दे रहा, बट स्टिल इन हिज हार्ट वो म्यूजिक चल रहा था। ओके, सो दिस वॉज द एंडिंग ऑफ द पोएम, दिस वॉज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। आई होप आपको पूरी पोएम समझ आ गई हो। नाउ सिंस यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, सो इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है या जो भी इसके बेस आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें इजिली सॉल्व कर पाओगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी लाइन में कोई भी क्वेश्चन में, सो आप प्लीज उसे कमेंट्स में मेंशन करना। ओके, बाय।